पहले तो मैं बॉक्स में था, टाइम के साथ साथ वर्कआउट अपना स्टार्ट किया, वर्कआउट भी किया, उसके बाद अपनी डाइट रखी, क्योंकि डाइट गोल्ड मस्ट है। हम क्या करते हैं, हम पहले तो जिम जाते हैं, शुरू शुरू में जोश होता है, जिम लगाते हैं, बट हम डाइट वगैरह नहीं करते, जिससे बहुत बड़ा हमारा साइड इफेक्ट हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ तो वर्कआउट कर रहे हैं और वहाँ घर जाके डाइट नहीं करते, जिससे ये होता है कि हमारे मसल कम होते हैं। अगर हम डाइट करते हैं तो इससे ये होता है हमारे मसल ग्रोथ करते हैं। और शुरू शुरू में तो आप ये समझ लें, आपको 5 से 6 माह लगेंगे अपने मसल को उसमें लाने के लिए। जैसे जैसे आपके मसल बिल्ड होते रहेंगे, एक तो मसल ग्रोथ भी करता रहेगा। अगर आप डाइट नहीं करते, मेरी बेसिकली डाइट जो है, मैं एग ले रहा हूँ, वाइट एग ले रहा हूँ, उसके बाद वाइट राइस है, चिकन है, बॉयल्ड चिकन आप यूज़ करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आप जब जिम में अपना वर्कआउट करके जाते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। जैसे ही आप जिम से जाएँ, आपको चाहिए कि आप मिल्क शेक यूज़ करें, बनाना यूज़ करें, स्वीट पोटैटो वगैरह यूज़ करें। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुल। अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ से मुझे अभी तक जो है ना 2-2.5 साल हो गए हैं, और पहले मेरा बॉडी बिल्कुल नहीं था। मैंने अपनी डाइट की, जिससे शुरू से ही मैं यहाँ जिम कर रहा हूँ, और मेरा अभी अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी पंप की ये मेरा 16 पाउंड जो बहुत है, मैं कहता हूँ मेरे लिहाज से बहुत है। सबसे मेन चीज़ है, आप जिम करते हैं और डाइट नहीं करते तो आपका मसल कभी गेन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सारी जो चीज़ है वो आपकी डाइट है। 30% आपका वर्क भी होता है और 70% डाइट है। जैसे कि आप कहते हैं तो मैं आपको आज बाइसेप और ट्राइसेप की गेम भी लगा के दिखा सकता हूँ। और इससे यही है कि आप, मैं तो यही कहूँगा, शुरू में आप अपनी डाइट अच्छी रखें, और डाइट अच्छी रखें और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट करें। वर्कआउट बहुत लाजमी है, क्योंकि इससे ये आज की जो नई जनरेशन है वो साइड पे है, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं, बहुत से बच्चे जो है ना उल्टे कामों में जा रहे हैं। ये एक जो फिटनेस है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको बाइसेप की जो है एक्सरसाइज बताता हूँ, आप ही देखें। आज हम आपको सबसे पहले बाइसेप कुछ गेम्स बता रहे हैं, जिसमें सिंगल डबल्स हैं, डबल हैं। सबसे पहले हम सिंगल लगाते हैं, मुझे देखें, फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपने करना ये है कि अपना एफर्ट ठीक करना है, अपनी ये जो कोनी है याद रखनी है, स्क्वेयर, इसको हिलाना नहीं है, और बिल्कुल स्लोली स्लोली इसको ऊपर ले गए और फुल नीचे, ऊपर ले गए फुल नीचे। इस तरह जो है ना 10 से 12 रेपिटेशन करनी है, और 3 से 4 जो है ना आपने सेट लगा दी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके आपने 3 से 4 सेट लगाने हैं, और ईच जो है आपने 10 से 12 रेपिटेशन करनी है। इसके बाद आप इसी को ऊपर ले आते हैं, कोनी आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, और सिर्फ अपने जो ये डंबल्स है ये मूव कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल स्लो पर लगाना है, ताकि अगर आप वेट ज़्यादा करेंगे इससे आपके जो है ना मसल डैमेज हो सकते हैं, आपका पेन निकल सकता है। तो अच्छा यही है, आप कम वेट को करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करें। ये 8 से 10 से 12 के दरमियान आपने करें। अच्छा, अभी तो मैंने आपको रिसेंटली जो है ना डंबल्स के बताए थे कि 8 से 10 से 12 जो है ना रेपिटेशन करनी है, और अगर आपने साइज गेन करना है, आपने इसको
ओपन पकड़ लें, ठीक है, ओपन पकड़ लिया, अब बॉडी स्ट्रेट कर ली और इसको अपर लेके आना है, फिर थोड़ी देर इसको यहाँ रोकने और फुल नीचे, और इसके भी आप 10 से 12 जो है ना रेपिटेशन कर रहे हैं और 3-4 टाइम जिसको जो है ना आपने सेट कर लिया। आपने अगर मसल ग्रोथ करना है, मसल ग्रोथ करना है तो आप सेम यही एंगल लें और इसको आराम से और वेट कम लें शुरू में, क्योंकि अक्सर होते हैं वेट ज़्यादा उठा देते हैं और गलत हो रहा है, इससे ये साइड इफेक्ट होता है कि आपके मसल डैमेज होते हैं और वहाँ फर्क नहीं पड़ रहा होता जहाँ जिस मसल की हम जिस मसल का हम उठा रहे हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्राइसेप इंक्रीज करने का, सबसे पहले आपने ये रॉड लगाना है, ठीक है, ये मुझे पूरे में और आपने ये करना है कि आपने अपने हिसाब से वेट उठाना है, जो आप जो है वेट और ये मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। आपने सबसे पहले अपनी कोहनियाँ सीधी करनी है और यहाँ फुट ऊपर नहीं लेके जाना, यहाँ तक ला के सिर्फ 10 से 12 रेपिटेशन करनी है और 3-4 आपने इसके सेट लगा है। ये आपने 3-4 टाइम्स जो है ना ये रेपिटेशन करनी है, ताकि अगर आपने अपना ट्राइसेप इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। पहले आपने वो सेट लगाया, इसके आपने 3-4 रेपिटेशन आपने 10 से 12 करनी है और 3-4 करनी है। अब दूसरा ये है इसकी ग्रोथ मिस कर लेनी है और ये आप स्लोली नीचे ले गए और स्लो स्लो ऊपर ले गए, ये भी 10 से 12 की रेपिटेशन होगी और 3-4 आपने इसके सेट लगाए, स्लो नीचे लेंगे और स्लो स्लो ऊपर लेंगे, ताकि जो आपका जितना भी जो है वो फोकस है वो आपके मसल पे हो। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपने फोर सही बनानी है और 10 से 12 रेपिटेशन करें। अच्छा, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, हमने बाइसेप एंड ट्राइसेप किया। हम अभी जैसे ये जिम से बाहर निकलेंगे घर जाके हमने सबसे पहले करना अपनी डाइट करनी है, अगर डाइट नहीं करेंगे हमारा मसल ग्रोथ नहीं करेगा, तो अभी घर जाके या तो आप मिल्कशेक यूज़ करें, मिल्कशेक यूज़ नहीं करते तो आप 5-6 नहीं कर सकते तो 3-4 एग की जो वाइट होती है वो यूज़ करें, ये मस्ट है, क्योंकि अगर आपने साइज गेन करना है अपना मसल गेन करना है ये आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। मैं आपको थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लियाकत जिम के बारे में। शुरू शुरू में हम आए हमने ये सुना था लियाकत जिम नाम है वो नाम है, हमारे बेसिकली जो है ना लियाकत सर ऑनर है जिम के, वो बहुत कोऑपरेटिव है, हमें अगर हम कहीं हमें कोई मिस वो होता था हमसे नहीं जाता तो लियाकत भाई हमें गाइड करते थे, हमें साथ लेके चलते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी बने हम जिस जिम से बने हैं और हम बहुत
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں آپ ایک طرح جم کریں, آپ جم دیکھیں ان شاء اللہ آپ کو بھی جو ہے نا آپ جم وزٹ کریں, آپ کو بھی پتہ چلے گا جم میں یہاں ٹریننگ میں دے رہا ہوں کیونکہ یہاں اچھے سے ٹرینر بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یوٹیوب پہ ایک چینل ہے لیاقت جم کے نام سے, آپ فالو کیجیے, لائک کیجیے, سپورٹ کیجیے. تھینک یو.